अब तो चुप रहेगा, समझ गा? मैं क्यों रहूंगा चुप? तो मैं करूंगा ही ना। अजी ऐसा कैसा ना करेगा, मैं तो सुनूंगा। मैं तो ना सुनवा रहा। अच्छा जी, अपनी बेर पे रोन लगा, जब मैं करूँ तब तो बहुत चिपके है तू। हाँ तो तब मेरी को ही ना, अपने अपनी सुखा रहो। अच्छा, और जब तेना मेरी बाबू से 528 बार बाबू बोली है, वहां का हिसाब कौन देगा? अच्छा, तू अपनी भाभी से बाबू कहेगा, शर्म ना आ रही होगी? तो भाभी माँ समान हो, समझ गा? वाह बेटे, मेरे लिए भाभी माँ समान हो करे और तेरे लिए बाबू बाबू हो करे, है ना? जल्दी फोन करवा। चुप बैठ जाएगा, जैसे तैसे बात शुरू हो रही है, तू और लेट करवा दे। हाँ ठीक है, रह लूंगी, तो फोन कर। ठीक है। हेलो बाबू, नमस्ते। अरे यार ये नमस्ते मत बोला करो, मैं मौसी हूँ तो तुम्हारी। यार बाबू, मम्मी नू केवल ऑनलाइन इज्जत देनी चाहिए, अब मैं तो उसे नमस्ते कर रहा हूँ तो थोड़ा झेल ना रही। अरे अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कल रात को क्या हुआ था? अरे हाँ यार, ये बात तो बतानी है। तो कल रात में आया तेरी गली में तो चॉकलेट देने। हाँ फिर? तेरी गली में उन्हें रहता दिनेश, वाकई लौंडा कल गली में डोल रहा, बस मैंने लुके ही ये चॉकलेट ले और दी दिया दिया। पर मेरे पास तो कोई भी नहीं आया। और तो आएगा कैसे, वहां चॉकलेट ली और अपने घर भाग गया। बहुत बढ़िया। फिर मैं जैसे तैसे दूसरी चॉकलेट लेके आया और तेरे घर के पीछे वाली बाउंड्री पे चढ़ रहा, इतने में तेरी गली में वो कुत्ता ना रहा भूरा, वो आ गया और मैं डर गया, मन की तेरे घर वाले ना देख ले मैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, मेरे तो नवा का टैटू भेज दिया, इतनी देर में वो पै पै करने लगा, गया लिया हम भाग गए। अरे तो करती क्यों ऐसे काम? यार तू हंस रही है, तू नु बता मिल के ऐसा कहे? यार तुम्हें पता तो है मैं घर से बाहर नहीं आ पाती। तो कुछ जुगाड़ बना ना। मम्मी अकेले जाने ही नहीं देती। मम्मी तो हमारी भी ना जान देती, पर चले जावे है ना। यार तुम्हारी बात अलग है। हाँ यू तो है, हमारी तो बात ही अलग है, कोई होड़ ना कर सकता हमारी। या सुनू के मेरी बाबू का जन्मदिन आ जाएगी। तू एक काम कर, मृदुल की सेटिंग का जन्मदिन है, वहां आ जा। नहीं यार पापा नहीं आने देते, मैं क्या बोल के आऊंगी? अरे यार तू साड़ी में फॉल लगवा ला, पीको करवा ला, बिंदी को पत्ता, मेहंदी की कीप, सरफ का पैकेट, बर्तन धोने का साबुन, कुछ तो लेने आ जा यार। यार पापा को पता चल गया तो? अरे तेरा बाप है सैटेलाइट, पापा को पता चल जाएगी, पापा को पता चल जाएगी, पापा को पता चल जाएगी। दीदी दीदी दीदी। उरा उरा, राम राम दी। राम राम भाई साहब। सुनाओ दी, कहाँ होगा? वो दीदी से मिलने आई थी। दीदी तो ना हो, पर थारो दीदे हुई है। जीजा मतलब? अरे वो दीदी हुई तो हम वो थारे जीजा, और तुम मेरी साली, और साली मतलब तो आज ही घरवाली। अरे भाई साहब आप जीजा कैसे हुए? तो दीदी कैसे हुई? तो वो तो दीदी है। तो हम भी तो जीजा ही हैं। कब तक आएंगी वो? वो तो बागेश्वर बाबा कथा में ग्रेटर नोड गई है, शाम तक आएगी। अच्छा ठीक है, मैं शाम तक आती हूँ। अरे मैं तो यहाँ हूँ, मो बता दूँ कहाँ काम है? नहीं नहीं भाई साहब, दीदी से ही काम था। दीदी से ही रह गया काम? या दीदा लाख भी कुछ काम देख रहे करो। मैं बाद में आती हूँ। अरे तो चाय तो ले लो। नहीं नहीं भाई साहब। कॉफी पियोगे? कॉफी नहीं नहीं भाई साहब, बस बस। जलजीरा, सिकंजी, लेमन जूस? नहीं भाई साहब कुछ नहीं चाहिए। अभी कोल्ड कॉफी तो पी लेती होगी। कुछ नहीं भाई साहब कुछ नहीं। मैंगो शेक बनवा दूँ? कुछ नहीं भाई साहब कुछ नहीं। तो एक काम करो, मेरठ से आम मंगाए पड़ोसी, बढ़िया पिलपिले आम है, जाकर चूस लियो। कुछ नहीं चाहिए ना भाई साहब, कितनी बार बोलो, आप तो पीछे ही पड़ गए हो। मैं पीछे पड़ रहा हूँ, तू पीछे पड़ रही है, एक तो पूछ रहा हूँ, इतना क्या और दिखा रही है? ओ कितना झूठा आदमी है ये। झूठा बता रही है? मलुक सा आदमी देखा ना, घर में अकेला और नहीं चली गई यहाँ लाइन मारने। दीदी को बताऊंगी मैं तो। आई चल के और तरह का दिखा रही है। रामपाल क्या हाल है भाई? अरे बाबूजी हुक्का को कही मैंने तुमसे। हाँ हाँ हुक्का ही सफा कर रहा हूँ तेरे मारे। अरे तो कब तक भिजवा दोगे, रिश्तेदार आ रहे हैं घर। बस अभी भिजवा रहा हूँ 5 मिनट में। सुनो थोड़ा तमाकू और भिजवा दियो वहाँ की गैल। अरे रामपाल हरो शर्म कर लो, तमाकू भी नो और थम्पे। अरे तमाकू तो मंगाया हूँ मैंने मेरे सू, पर लौंडा शाम तक आएगा, तुम ही भेज दिया थोड़ा तमाकू। यू कहा बात हुई, हुक्का भी दो और तमाकू भी दो। अरे बाबूजी जब तुम ट्रैक्टर मांगो तो मैं ट्रैक्टर के गैल तेल भी गिर के भेजूंगा ना, हुक्का भेज दो तो हुक्का गैल थोड़ा तमाकू भेज दो। पूरी जिंदगी भर। ठीक है भेज दो। अरे हाँ पापा, तेरे मशीन पे कहाँ कर रहे हो, यहाँ को आओ। आ रहा हूँ, चल रहे, पापा बुला रहे हैं। यार यहाँ क्या समझाऊ, तू एक मिनट रुक। अरे इतनी मालूम तू है ना, दिन तू बन के दिखा रही है, समझ गई? हट फोन काट, खस्ता का छोड़ी सी। शाबाश जी पापा जी। अरे पापा जी देखिए कोई काम नहीं होगा, फालतू काम अटका देंगे हमें।
पापा जी नमस्ते। हो नमस्ते नमस्ते। आज्ञा पिताश्री, बताइए क्या कार्य था आपको हम दोनों वीर जवानों से? ओ डट जाओ वीर जवानो, रात में मूत्रा कुत्ता में अपनी मम्मी के गल जाना पड़े। वीर जवान बता रहा हूँ, या हुक्का लो और भ्रम पारल के देखा हो। क्यों दिया वे? वे हमें गाली देवे, हमें हुक्का दिया वे। अरे कुछ ना, वाके लौंडा देखने वाले आ रहे हैं। बेहकू? हाँ बेहकू देख लांगे, और कहूँ आईपीएल में जा रहा हो। तो पापा हमारे देखने वाले कब आएंगे? अरे तब में है कुछ देखने को, हमारे देखने वाले कब आएंगे? हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हो, यू तो अभी छोटा ही है, तो मुझे दिखवा दो काई है, तो वो तो अभी बेहतर के डॉक्टर दिखाऊंगा। वाई की जोर तब तो। अब चुपिया हुक्का लो और यू रखी चिलम, इन्हें देखाओ। कोई जतिना यार, पूरे गांव का ठेका हमने ले रखा, काय को ब्याह वहां चलन पहुंचाते रहे हम। इनको तंबाकू और लेके जाओ। हुक्का ले आओ, हुक्का ले आओ। रुक जा, फोन आ रहा काय को। अरे बाबू को फोन आ रहा। देखो मैंने कही ना, इन्हें थोड़ा सा फिट कर दो ना, क्या लगा ठिकाने आ जाए इनकी। बात करूं? बात कर। हेलो बाबू नमस्ते। अरे यार नमस्ते छोड़ो, तुम ये बताओ हर बात पे गुस्सा क्यों हो जाते हो? बात इतनी बेकार कर रहा है तू, मिलती मिलाती है ना। अच्छा ये बताओ कहाँ हो आप? हम तो अपने घर हैं। तुम ये बताओ मेरे घर के पास आ सकते हो? तेरे घर आ जा मैं? क्यों आ जा मैं? तुम मंत्री है कहीं की? अरे मेरे पापा बाहर जा रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। मिल लूं? तू मिल रही है? भाई मिलने कह रही है? मां कसम। खाइए मां कसम। अरे हाँ यार मिल लूंगी, तुम जल्दी से मेरे घर के पास आ जाओ और आके ना मुझे फोन करना। ठीक है बाबू, आ रहा हूँ। भाई तो बुला रही है तो चलना। पर यार हुक्का। अरे यार हुक्का दे देंगे बाद में यार, पहले यहाँ से मिल ले रहे और एक काम और कर रहे, मस्तानी बुला लेंगे। जब हम वहाँ से मिलेंगे ना तो मस्तानी बाहर खड़ा देखता रहेगा, कोई आएगा तो बता देगा। ठीक है चल चल चल। हाँ ब्रह्मपाल। अरे भैया कौन रहेगा थारा हुक्का? हुक्का ना पहुंचा? समझे करो बाबू जी, यार घर रिश्तेदार बैठे हैं, जल्दी भेजो हुक्का। और तेरी दादी कसम बालक निकल गया, हुक्का लेके अभी आ जाएंगे। ठीक है मैं देख रहा हूँ। ठीक है। कौन है यू? पता नहीं यार, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, फोन भी नहीं कर रही। कहाँ हुआ भैया? अरे वो गांव की आंटी ढोल ली है। तो आंटी सुबह डरे हैं हम। अरे डरते तो किसी से भी ना, पर कोई कौन हो रहा तो प्यार से हो जान देना, फालतू बात करता रहे वे। क्यों पता चलने किसी है? सुन मसानी और बकरा, जब हम दोनों भीतर जाएंगे ना वो घर में, तब तुम एक काम करियो, तू चला जाइए उनकी तरफ और तू चला जाइए उनकी तरफ, जैसी कोई आवे ना गेल बता दीजिए भाई। ठीक है भैया, ठीक है, हाल ही बता दिए। फील्डिंग तो ऐसी बैठानी है कि वो का बाप तो बाप, एक कौवा भी कौन अगर है। ले भाई का फोन आ गया। बात कर। हाँ बाबू बता। कहाँ आ गए आप? हम तो तेरी गली में खड़े हैं, बता आ जा मैं। नहीं यार अभी मत आना, पापा ना अभी गए नहीं है। तो जाके उन्हें जल्दी भेजना। यार मैं उन्हें भगा थोड़ी ना दूंगी, जब जाएंगे तभी तो। सुन मैं तेरे ड्रामे नहीं सुन पाऊंगा कतई भी, हम चारों को चारों काम छोड़ के खड़े हैं, बता जल्दी अब क्या करना। हाँ मैं करती हूँ कुछ। ठीक है। क्या भैया कहा होगा, आए नहीं रहेगा, मिलो कैंसिल अब। अजी ऐसा कैसे कैंसिल, कर रही है कुछ जुगाड़। हेलो। हाँ भाई बता। अरे भैया आज की तारीख में आ जाएगा हुक्का? अरे अभी तक पहुँचा ना हुक्का। अरे भैया ना पहुँचो, अब तो सबने चाय भी पी ली, कब तक आएगा? अरे बालक तो भेजो यार, मैंने पता ना कहाँ रह गए। हाँ एक तो तुम्ही घने बढ़िया हो, थारे बालकन की तो बात ही कुछ अलग है। चल ठीक है, रुक जा मैं खुद ही देख रहा हूँ। अरे यार रिश्तेदार भी यूँ कहेंगे, एक हुक्का को भी जुगाड़ना, बेइज्जती हो जाएगी। अरे रुक तो जा पहले, देख रहा हूँ मैं कह रही। हाँ ठीक है जल्दी देखो। पता ना कहाँ भेजे और कहाँ पहुँच गए। हाँ हेलो। अरे हेलो पहले मत करे, जल्दी बता कहाँ है। सुनो यार पहले पापा जाने के लिए बोल रहे थे, अब जा ही नहीं रहे। फालतू बात मत करे, समझ गई, यहाँ पूरी फील्डिंग बैठा रखी है। मैं क्या करूँ? हम क्यों बता रहे क्या करना, तू खुद करना। अच्छा एक काम करो, मेरे घर के साइड वाले प्लॉट के पीछे आ जाओ। हाँ फिर? अरे मैं वहीं आ जाऊंगी ना, वहाँ पे एक लोहे का गेट है, उसको बचा देना और मैं गेट खोल दूंगी। पक्का आ जाएगी ना तू? हाँ आ जाऊंगी, और वहाँ कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। ठीक है। अच्छा मैं फोन ना घर में रखकर आ रही हूँ, मुझे फोन मत करना और हाँ आके गेट बचा देना। ठीक है बाबू ठीक है। कहाँ कह रही है यू? अरे तू छोड़ ना, तू चल मेरी गैल मौज आ जाएगी भाई। अरे चाचा मैंने वो दोनों मंदिर वाली गली में देखे। कौन कौन? थारे दोनों बालक नितिन मिर्दुल अरु बासुरी सा मिस्तानी तीनों गहले। हाथ में कुछ ले रखा उनने? हुक्का चिलम ले रखी। साले ने इनका भेजो, इनका पहुंच गए। मैं तो रोज शाम को देखूं रमेश वाली गली में चक्कर मारते हुए। हाँ समझ रहा हूँ सब समझ रहा हूँ। जा तू।
जल्दी चल यार, फिर फिर ना मिलता ऐसे मौका। भाई ये गेट, अरे आजा 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 आराम से। ठीक है ठीक है, आजा बजा बजा। बाबू आएगी बाबू आएगी। जीने दुखी कर रहा खोक ताई। हेलो, हाँ ब्रह्मपाल, तू रिश्तेदार ने बस 5 मिनट रोक के रख, हुक्का मेरे हाथ में है, आलिया बस में। एक काम कर, रिश्तेदार तो चले गए, अब बचा हुक्का, ये अपने चूतड़न में दे ले। हट जा। अरे ब्रह्मपाल फालतू बोल रहा हूँ, अभी रुक जा, अभी तेरे घर आ रहा हूँ, फिर बताऊंगा हुक्का मैं कहाँ देऊंगा, रुक जा तू। बाबुओं से जब भी मिलने जाए तो बापुओं का ध्यान बहुत अच्छे से रख के, पता चली बाबू से मिलने गए और पापा आ गए वहां पर, तो हमारी गल तो ये कांड होते रहते हैं, लेकिन आप जब भी जाए संभल के जाए। और बाकी अगर हुक्का वुक्का पीना हो तो लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ फटाफट इंस्टाग्राम पे, चिलम का लिंक डाल दूंगा, गैल बैठ के पारेंगे दो दो घूट और छल्ला बनाएंगे, और छल्ला बनाएंगे। बाकी नई वीडियो दूसरी जो है वो भी बहुत जल्द आएगी, और लैम्बोर्गिनी पोर्शे की मुबारकबाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके अपडेट के लिए जाया करो इंस्टाग्राम पे, वहाँ सब छोटे छोटी चीजें रील्स वील्स शॉर्ट्स, आजकल यूट्यूब ने ना अपनी स्टोरी या स्टेटस डालने का मैटर खत्म कर दिया है, पर आप वहाँ जाना, डेली के जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको सब वही मिलेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें, राम राम जी।